हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी स्क्रब और फेस पैक, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी स्किन पर एक पिंकिश ग्लो आएगा। और गाइस, स्ट्रॉबेरी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। इससे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और स्किन लाइटन होगी। और अगर फेस पर रिंकल्स, एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे रिंकल्स की प्रॉब्लम ठीक होगी और ये स्किन को यूवी डैमेज से बचाएगा, जिससे स्किन पर रिंकल्स नहीं पड़ते। इससे हमें एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और गाइस, क्योंकि स्किन में ऑयल का जो बिल्डअप होता है उसे कम करती है, इससे ऑयल का बिल्डअप नहीं होता है पोर्स में और पोर्स क्लीन होते हैं। तो गाइज, इसलिए आज मैं आप सबके साथ स्ट्रॉबेरी स्क्रब और स्ट्रॉबेरी फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। और इसको बनाना बहुत ही ईजी है और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रब बनाना है, उसके लिए हमें 4 स्ट्रॉबेरीज चाहिए और उसको कद्दूकस करके उसका पल्प निकालना है। गाइज, इसका पल्प निकालने के लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो वैसे आपको पता नहीं चलते, पर जब आप इसे अपनी स्किन पर स्क्रब करने के लिए यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी। और गाइज, सीड को कद्दूकस करके निकालने से सीड सेफ रहते हैं और इसे जब आप स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन पर अलग सा एक पिंकिश ग्लो आएगा। ये देखिए, पल्प निकल चुका है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर भी बहुत बेनिफिशियल है, आपकी स्किन को स्क्रब करेगी। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पल्प है वो थोड़ा थिक है, इसमें जो सीड्स होते हैं जब आप इसे अपने फेस पर स्क्रब करेंगे तो आपके सारे ब्लैक हेड्स ठीक हो जाएंगे, आपके स्किन के वाइट हेड्स भी ठीक हो जाएंगे। और इससे डेली यूज़ करने से आपकी स्किन में शाइन आएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। ये देखिए, अब ये रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और जेंटली हैंड से 5 मिनट तक स्क्रब कीजिए। इससे स्क्रब करने से आपकी स्किन के सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत जल्दी ही रिमूव हो जाएंगे। तो आप इसे डेली यूज़ कीजिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपकी स्किन के लिए। इसके बाद हम बनाएंगे फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए हमें 4 स्ट्रॉबेरीज चाहिए। उसके बाद हमें इसे भी कद्दूकस कर लेना है और इसका पल्प निकाल लेना है। और गाइस, स्ट्रॉबेरी स्किन को टाइटन करती है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है और स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और गाइस, स्ट्रॉबेरी में अल्ट्रा हाइड्रोक्साइड एसिड है, जो फेस के एक्ने, पिंपल्स को आने से रोकने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को एकदम क्लियर बनाता है और स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। तो स्ट्रॉबेरी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। अब देखिए, अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून कर्ड ऐड कीजिए। और गाइस, दही में कैल्शियम, विटामिन डी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ होती है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। और दही स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी हेल्प करती है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और गाइस, ये फेस पैक बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। यह आपकी स्किन में एक नेचुरल पिंकिश ग्लो लाएगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। ये देखिए, अब रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए और आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। तो गाइज, ये है फेस पैक और स्क्रब। इसको आप डेली यूज़ कीजिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।